What's up guys, welcome back to another video. तो फिर guys, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नई व्लॉग सीरीज जो कि हम करेंगे शूट इंडिया के हार्टलैंड में. तो फिर आई होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी. तो फिर अभी हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ में. हाँ, ये एक आउट स्टेशन ब्लॉग सीरीज है. और अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि हम एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं, तो इस ब्लॉग में बने रहिए ताकि आप जान सके. ये ऊपर देख सकते हैं, अभी बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आ सकती है कभी भी. यहाँ पे शिवांश ऊपर से मुझे ग्रीट करता हुआ दिख रहा है, दिख नहीं रहा है कैमरा में. यहाँ पे मम्मी पापा बाहर निकल चुके हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी. हम रेलवे स्टेशन जाएंगे आज अपनी कार से, हमने ओला बुक नहीं करी आज. तो फिर अभी हम चलते हैं. एक्सप्रेस वे है, ठीक है, ठीक है जी, सुनता है. अब ये पूरा जो है सरकार के भी अच्छे वो उसके प्लानिंग की वजह से ये पूरा का पूरा जो है नदी के ऊपर बना है, जिससे कि यहाँ कम से कम कई कई जो है जंगल में जो पेड़ कटने वाले थे उसकी भी बचत हो गई, और जो पहाड़ियाँ वगैरह कटने वाली थी वो भी नहीं हुआ, और रोड सीधा का सीधा भी हो गया, और जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो गई है. जो कि रास्ता पहले आधा पौन घंटे का रास्ता था, अभी 10 मिनट का रास्ता है. और ये पूरा पहाड़ी एरिया का रास्ता जो है एलिवेटेड से कवर कर लिया, ठीक है. इससे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का ये मेन पार्ट है. और अब इसीलिए से भी काफ़ी कम टाइम जो है अभी लगने वाला है दिल्ली से देहरादून वाले जो पैसेंजर्स हैं. पहले जो कम से कम 6 घंटा जिनको 5-6 घंटे लगते थे, अब वो 2 घंटे 2.5 घंटे में आराम से दिल्ली पहुँच सकते हैं, देहरादून पहुँच सकते हैं. इसमें टाइम की भी बचत होगी, उनकी फ्यूल की भी बचत होगी, उनका सबसे मेन बात है इसके नीचे से जानवर आराम से जा सकते हैं. जो जंगलों में जो जानवर घूमने वाले थे उनके लिए भी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, उनका एक्सीडेंट नहीं होगा. उससे बचने के लिए सरकार ने इसको पूरा का और जो बरसाती रिवर है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बरसाती रिवर भी चलती रही, मतलब पूरी रिवर तो अपनी चली चली रही है, चली जाएगी, ठीक है. इतनी छाती कवर कर लेते जो पॉइंट का. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है. ये सरकार के द्वारा बनाया गया बहुत ही ज्यादा एक अच्छा स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये दिल्ली टू देहरादून कनेक्ट करता है. जो पहले ट्रिप आपको 6 घंटे की लगती वो अभी 2.5 आवर्स में अभी कंप्लीट आराम से हो जाएगी. इसमें बहुत सारे फायदा भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सीजनल रिवर आएगी इसके नीचे से नीचे चले जाएगी, जो एनिमल्स होंगे जिसका रोड एक्सीडेंट होता रहता था अब वो नीचे से गुजर सकते हैं इसके आराम से, और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा. और ये देखिए कितना अच्छे से एलिवेटेड बना रखा है, इस चीज को पूरा अच्छा स्ट्रक्चर है कर रखा है. गाइस ये देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से व्यू दिखा देता हूँ. आपको दिख रहा है कि वही एक्सप्रेस वे की हम बात कर रहे थे. इसका एक और फायदा ये है कि जो पेड़ होते हैं इसमें, तो फिर वो पेड़ कटे नहीं, और जो ये माउंटेन था उसकी भी कटिंग नहीं हुई क्योंकि नदी में बन रखा है एक्चुअली. तो फिर बहुत ज़्यादा जो हमें लग नहीं थी पावर लेता हूँ कैमरा और आपको दिखाऊंगा. जो पिलर्स आप लोगों को दिख रहे हैं गाइस, ये देखिए जो पिलर्स दिख रहे हैं, ये भी उसी एक्सप्रेस वे का पार्ट है. ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके पिलर्स ये देखिए गाइस, कितना अच्छा आर्ट वर्क बना रखा है. आपको याद है मैं इसके बारे में, ये जो वही की लहरी है जो राम जी की हेल्प करी थी पुल बनाने में. तो अगर आपको इससे आइडिया आ गया होगा थोड़ा भी हम कहाँ जा रहे हैं, तो बढ़िया बात है. अगर नहीं आया तो बढ़िया है, सरप्राइज रहेगा. कहीं लिखा भी होगा यहाँ पे तो आपको हिंट मिल जाएगी. गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे. जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारा स्वागत घनघोर बारिश हो रहा है. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, घर से निकले बारिश, यहाँ पे पहुँचे बारिश, ट्रेन में बैठने से पहले बारिश, सब जगह बारिश ही बारिश हो रही है जहाँ भी हम जा रहे हैं. तो अभी तो हमें ऑटो मिल नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या होगा. गाइस बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, हम निकल नहीं पा रहे, पता नहीं कब बारिश बंद होगी, बोलना पड़ेगा. पूरे यहाँ पे छींटे पड़ रहे हैं, यहाँ से आके जो पड़ रहा है ऊपर जाना पड़ेगा. कहीं अभी हम आ चुके हैं गाइस बाहर पे, थोड़ा रोड में घूम रहे हैं. यहाँ पे आने को भी हनुमंत रेस्टोरेंट से ले, हम अभी थोड़ा खाने की तलाश में आए ताकि थोड़ा पेट पूजा हो जाए, बहुत भूख लग रही है मम्मी को. तो अभी हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट दिखा हमको, उसमें चलेंगे और देखेंगे अगर कोई वैकेंसी मिलेगी सीट के लिए तो खा लेंगे यहाँ पे खाना, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं. आ जाओ. अभी हम आ चुके हैं गाइस बाहर पे, थोड़ा रोड में घूम रहे हैं. यहाँ पे आने को भी हनुमंत रेस्टोरेंट से ले, हम अभी थोड़ा खाने की तलाश में आए ताकि थोड़ा पेट पूजा हो जाए, बहुत भूख लग रही है मम्मी को. तो अभी हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट दिखा हमको, उसमें चलेंगे
और देखेंगे अगर कोई वैकेंसी मिलेगी सीट के लिए तो खा लेंगे यहाँ पे खाना, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, चलते अंदर आ जाओ। मम्मी ने यहाँ पे खाना ऑर्डर कर दिया है पूरा, आज मम्मी की चॉइस थी और मम्मी यहाँ पे फोन चलाने बैठ गई है, पूरी चॉइस थी मम्मी की, हमने कुछ भी नहीं करा ऑर्डर। गाइस ये देखिए यहाँ पे भंडारा से लाइन लगी थी लंबी, वो मेरे वहाँ से लगती यहाँ तक लगी है, ये अभी और पीछे भी जा रही है लाइन। और अभी हम जा रहे हैं सरयू जी के लिए रिक्शा लेने के लिए, अभी हम रिक्शा लेंगे और सीधे सरयू जी में जाएंगे। मम्मी तो मेरे को स्नान करने के लिए मना कर रही है, पापा कर लेंगे स्नान और पापा कर लेंगे मेरे बदले। जय श्री राम, जय श्री राम, करो स्नान और करो अपना काम और हर गली गली भंडारे, एक भंडारा उधर है एक भंडारा पीछे की तरफ है, पूरी गली गली भंडारे चल रहे हैं, सब कर रहे हैं भंडारा। और ये भंडारे वैसे कर क्यों रहे हैं? लोग इतने आ रखे देवोटी उनको खाना खिला रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। ओके देखो बाबा के चरण में देखते रुद्राक्षी माला है, रुद्राक्षी बाबा यहाँ पे इतनी भीड़ है कि इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को वहाँ पे करना पड़ रहा काम क्राउड कंट्रोल के लिए। गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है कि इस भीड़ में आपको पहले सबसे पहले चीज तो आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि आपको सबसे पहले अपनी जान की परवाह देनी पड़ेगी, फिर दर्शन को वहाँ पे करना है। बट अपना भरोसा राम जी में रख के अपने वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, फोन मत ले जाइएगा बस। गाइस ये देखिए ये भक्ति उत्सव है तो फिर यहाँ पे कथाएं चलती है राम जी की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी संगीत टाइप का कुछ हो रहा है, ये 2 और 3 मार्च को होगा बस, आज लास्ट डे इसके, ये शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है, अभी 1:15 हो रही है तो मतलब ये 4 बजे स्टार्ट होगा शाम को प्रोग्राम। गाइस हम पहुँच चुके हैं लता मंगेशकर चौक पे, तो फिर ये देखिए आप समझ गए हम अयोध्या पहुँच रखे हैं, ये काफ़ी प्रूफ है। तो अभी आपको दिखाते हैं पास से दिखा दो कितना अच्छे इंट्रिकेट डिजाइन बनाए हैं इस पे।